एनआरसी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सिटीजन रजिस्टर बना रही। अब ये कह रहे हैं ह्यूमन राइट का सवाल, हम मानते हैं देश की सुरक्षा का सवाल है, इस देश में घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है, हर जगह से उनको ढूंढना है। किस प्रकार की नीति के आधार पर एक गठबंधन आगे बढ़ रहा है उनको पूछना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा स्पष्टता करिए। अर्बन माओइज्म वाले पकड़े जाते हैं, आपका स्टैंड क्या है, ह्यूमन राइट की दुहाई देने लगते हैं, बम धमाके में जो मारे जाते हैं वो पुलिस के जवानों का, वो निर्दोष आदिवासियों का ह्यूमन राइट नहीं है क्या? सीआरपीएफ के जवान जो शहीद होते, पुलिस के जवान जो शहीद होते, उनके परिवारों को, उनके अनाथ बच्चों का ह्यूमन राइट नहीं है क्या? देश की सुरक्षा के लिए वोट बैंक के कारण खिलवाड़ करने वाले लोग आज एकत्रित आए हैं तो एक ही कारण है कि वो मोदी जी को हटाना चाहिए। और ये लड़ाई हम किसके भरोसे लड़ेंगे? ये लड़ाई आप लोगों के भरोसे लड़ेंगे, आपके विश्वास पर लड़ेंगे, तो हम अकेले नहीं लड़ सकते। आपका मोदी जी को वोट, ये मोदी जी को नहीं है, देश के भविष्य को है, देश के करोड़ों गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए, देश के करोड़ों युवाओं को विश्व के सामने स्पर्धा के लिए एक मंच देने के लिए। आपका एक वोट मोदी जी को नहीं है, देश की सुरक्षा को है, जवान की वन बैंक वन पेंशन और उसकी विधवा को सलाम करने के लिए है। आपका एक वोट देश में घुसपैठिए निकालने का काम कर सकता है, माओवाद को समाप्त करने का काम कर सकता है।